नमस्कार दोस्तों, देवर्षि मिश्रा ट्रेनिंग चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप अपने लिए इंटर्नशिप ढूंढ रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो अंत तक पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने प्रैक्टिकली और स्टेप बाय स्टेप बताने की आपको कोशिश की है कि आप किस तरीके से अपने लिए इंटर्नशिप सर्च कर सकते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं स्टेप नंबर वन। स्टेप नंबर वन कहता है डिसाइड योर लोकेशन। आप जिस भी लोकेशन से इंटर्नशिप करना चाहते हैं वो डिसाइड करिए। वो आपका होम टाउन भी हो सकता है, वो एक मेट्रो सिटी भी हो सकती है। हालांकि अगर आप इंटर्नशिप की बात करें और जॉब की बात करें तो आज की तारीख में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है वर्क फ्रॉम होम, तो आप उसको भी ऑप्ट कर सकते हैं। दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है होम टू कॉन्टैक्ट, मतलब आपको अपनी इंटर्नशिप के लिए किन लोगों को कॉन्टैक्ट करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं स्क्रीन पर बहुत सारी जॉब प्रोफाइल मेंशन की गई हैं, जिसमें से एचआर कोऑर्डिनेटर से लेकर लीड टैलेंट एक्विजिशन हेड तक की पोजीशन मेंशन की गई है। मुख्यतः ये लोग जिम्मेदार होते हैं एक कैंडिडेट का रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट कराने में, उसका रिज्यूमे मैनेजमेंट तक पहुंचाने में, उसको सेलेक्ट कराने में और उसको जॉब दिलाने में। तो अगर आप इन लोगों को मुख्यतः कॉन्टैक्ट करते हैं इंटर्नशिप के लिए तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। अब यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को टारगेट कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर कंपनी को टारगेट कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर डोमेन को टारगेट कर रहे हैं, तो आप अपनी पसंद के अनुसार डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किन लोगों को कॉन्टैक्ट करना है, किस कंपनी को कॉन्टैक्ट करना है और किस लोकेशन पर कॉन्टैक्ट करना है। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और फोकस करते हैं कि हमें करना कैसे। आइए दोस्तों फाइनली अब सीखते हैं कि हम लिंक्डइन के माध्यम से कैसे HR प्रोफेशनल्स को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अपनी इंटर्नशिप के लिए। तो देखिए यहां पर सर्च का ऑप्शन दिया हुआ है, जहां पर मैं टाइप करूंगा HR एग्जीक्यूटिव। तो देखिए जैसे ही मैंने यहां पर HR एग्जीक्यूटिव टाइप किया और मैंने सर्च पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहां पर मेरे सामने ऑप्शन आ गए। आप देख सकते हैं यहां पर अगर मैं चाहूं अपनी सर्च को और बेटर करने का तो यहां पर मैं पीपल पर क्लिक कर सकता हूं। जैसे मैं देखिए पीपल पर क्लिक करूंगा मेरे सामने यहां पर ऑप्शन आ गए उन सारे लोगों के जो एचआर एग्जीक्यूटिव पर काम कर रहे हैं वेरियस कंपनीज। तो देखिए यहां पर मेरे सामने कनेक्ट का ऑप्शन आया जिस पर मैं क्लिक करके इन लोगों से कनेक्ट कर सकता हूं, राइट, और इनसे अपनी नेटवर्किंग डेवलप कर सकता हूं। अब देखिए दोस्तों यहां से हमें आगे क्या प्रोसेस फॉलो करना है। तो मान लीजिए मैं इसमें से किसी एक पर क्लिक करता हूं और उनकी प्रोफाइल विजिट करता हूं। तो देखिए जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो देखिए मेरे सामने यहां पर तीन ऑप्शन आ गए, कनेक्ट, मैसेज और मोर का। तो जैसे ही देखिए मैं मोर पर क्लिक करता हूं, जैसे ही मैंने मोर पर क्लिक किया यहां पर मेरे सामने फॉलो का ऑप्शन आ गया। जैसे ही मैं फॉलो ऑप्शन पर क्लिक करूंगा तो इस व्यक्ति या इस प्रोफेशनल के पोस्ट मुझे दिखने लगेंगे। इसके अलावा अगर मैं इनसे कनेक्ट करना चाहता हूं तो यहां पर मैं कनेक्ट ऑप्शन पर क्लिक कर सकता हूं और इनको रिक्वेस्ट भेज सकता हूं अपनी नेटवर्किंग के लिए। तो देखिए अगर मैं बात करूं इनसे कनेक्ट करने के लिए तो यहां पर देखिए मैं ऐड अ नोट पे जाऊंगा। एड ए नोट पे जाने के बाद मुझे इनको एक मैसेज भेजना है जो कि 300 वर्ड का हो सकता है, उनको रिक्वेस्ट करने के लिए कि वो मुझे अपने नेटवर्क में ऐड करें। तो अब इसको कैसे करना है आइए सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर उनको जो मैसेज भेजना है उसमें आप क्या कंटेंट यूज कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं हाय सर या मैम। देखिए कई लोग यहाँ पर आपको ये भी एडवाइस करेंगे कि आप सामने वाले का नाम लिखकर उसको संबोधित कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर यह बताना चाहूंगा, देखिए एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, हर किसी का अपना एक ईगो होता है। जो इंसान आपसे ज्यादा वर्क एक्सपीरियंस रखता है, उम्र में बड़ा है, आमतौर पर कई लोग ऑफेंडेड फील करते हैं अगर आप उनका नाम लेकर उनको बुला देते हैं, और हालांकि आप तो बिल्कुल कंप्लीट फ्रेशर हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप उनको सेफर साइड हाय मैम या हाय सर कहके संबोधित कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कॉन्टेंट देखिए नीचे लिखा हुआ है माई नेम इज, यहाँ पर आप अपना नाम मैंशन कर सकते हैं। आई एम यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं कि आप बीटेक स्टूडेंट हैं, एमबीए स्टूडेंट हैं या जिस भी डोमेन के स्टूडेंट हैं आप वो मेंशन कर सकते हैं। फ्रॉम यहाँ पर आप अपने कॉलेज का भी नाम मेंशन कर सकते हैं। आगे देखिए लिखा हुआ है आई एम लुकिंग फॉर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज इन, यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं अपना डोमेन, वो आईटी भी हो सकता है, कंप्यूटर साइंस भी हो सकता है, मैकेनिकल, सिविल, एमबीए, एचआर, मार्केटिंग, सेल्स, कोई भी हो सकता है, वो आप मेंशन कर सकते हैं। इन यहाँ पर आप पर्टिकुलर लोकेशन मेंशन कर सकते हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, कलकत्ता, मद्रास, यूपी, कोई भी। कुड यू रिकमेंड और गाइड मी इन माई करियर डेवलपमेंट, यहाँ पर आपने देखिए एक हम्बल रिक्वेस्ट कर दी है कि क्या वो आपको गाइड कर सकते हैं, आपको हेल्प कर सकते हैं या रिकमेंड कर सकते हैं आपके करियर डेवलपमेंट में। तो इस तरीके से आप एक पोलाइट मैसेज भेज सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से आप उन्हें मैसेज भेज के रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपने नेटवर्क में ऐड करने के लिए, और इसका फायदा आपको ये होगा
कि अगर आप उनको फॉलो करते हैं या वो आपको अपने अपने नेटवर्क में ऐड करते हैं तो उनके पोस्ट आपको दिखने लगेंगे जो कि जॉब से भी रिलेटेड हो सकते हैं, इंटर्नशिप से भी रिलेटेड हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कई पोस्ट में वो अपनी ईमेल आईडी मेंशन करते हैं और अपना कॉन्टैक्ट डिटेल भी मेंशन करते हैं, जिसके माध्यम से आप उन्हें ईमेल कर सकते हैं या आप उन्हें कॉल भी कर सकते हैं इंटर्नशिप के लिए। इसके अलावा एक और तरीका है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं और ये आपको बहुत मदद करने वाला है। यहाँ पर आपको जाना है और आपको यहाँ पर डालना है इंटर्नशिप ग्रुप। आप जैसे ही इंटर्नशिप ग्रुप पर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने दो इंटर्नशिप ग्रुप ओपन होकर आ गए हैं, जिसमें से पहला है जिसमें 22,000 से ज्यादा मेंबर हैं और दूसरा है जिसमें 19,000 से ज्यादा मेंबर है। ये केवल आपके रेफरेंस के लिए। अगर आप और ग्रुप्स को देखना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आता है सी ऑल ग्रुप रिजल्ट्स। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे ग्रुप मिल जाएंगे जो जॉब्स और इंटर्नशिप पोस्ट करते हैं। आप इन ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ज्वाइन करने का ऑप्शन दिया हुआ है, आप इन ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका फायदा आपको ये होगा कि इस ग्रुप पर पोस्ट होने वाला कोई भी पोस्ट आपको विजिबल रहेगा। अगर वो आपके डोमेन से रिलेटेड है, आपके स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वो इंटर्नशिप से रिलेटेड है तो हो सकता है सामने वाला अपना ईमेल आईडी मेंशन करे या कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन करे, तो आप अप्लाई कर सकते हैं और एक अपॉर्चुनिटी अपने लिए डेवलप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप सर्च कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा एक और बेहतर फीचर है लिंक्डइन का, आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर माय नेटवर्क के अलावा यहाँ पर जॉब का भी ऑप्शन है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपने प्रोफाइल से रिलेटेड या अपने स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड जॉब्स या इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज भी दिखेंगी। अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो बहुत सारे ऐसी कंपनीज जिन्होंने अभी रिसेंटली जॉब पोस्ट की है या इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज पोस्ट की है वो आपको दिखेगी, और कई बार आप एक केवल सिंगल क्लिक पर उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और कई बार अपना रिज्यूमे भी भेज सकते हैं उस इंटर्नशिप के लिए या उस जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए। तो दोस्तों इस तरीके से आप इस फीचर को यूज कर सकते हैं और अपने लिए बेहतर संभावनाएं ढूंढ सकते हैं। दोस्तों वीडियो के एंड में मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगा कि मेरे चैनल पर आपको बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे जो कि रिज्यूमे राइटिंग, ईमेल राइटिंग, इंटरव्यू प्रिपरेशन, करियर डेवलपमेंट और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड हैं। आपको चैनल पे जाना है और यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट पर क्लिक करना है या वीडियोस पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको मेरे वीडियोस दिख जाएंगे। आप अपनी जरूरत के अनुसार वीडियोस देख सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।